फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में रिएक्ट करने वाले हम द राइज ऑफ सेवन चिरंजीवीज, एक शॉर्ट फिल्म है उस पे। ये बेसिकली एक रीइमेजिन्ड इंडिया नाम का चैनल है, उन्होंने बनाई है। छोटा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल नहीं है। इवन मतलब हमसे तो बड़ा ही है, बट इतना बड़ा नहीं है। तो एक सोलो एनिमेटर है, तो हम देखते हैं उनकी कोशिश कैसी है। और काफी हाइप्ड है, काफी नाम सुन रहे हैं कि काफी अच्छा एनिमेशन है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चलते हैं, ये शॉर्ट फिल्म देखते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ इसमें और हो सकता है। तो चलिए चलते हैं। कलयुग के अंत से 100 साल पहले एनिमेशन तो सही लग रहे हैं। पापा, हनुमान कब आएंगे वापस? वक्त आ गया है बेटा। धर्म की हानि हो रही है और अधर्म बढ़ चुका है। ये रही वो समय है जब विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा और सातु चिरंजीवी मिलके धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। यार, डबिंग थोड़ी अजीब सी नहीं लग रही? करना चाहते हो कली को अमर? तो जाओ, जाके ढूंढो उन चिरंजीवियों को और कर दो उनके मकसद का अंत। तब होगा कली अमर। यार, डबिंग कैसी की है यार? एनिमेशन ठीक है, डबिंग थोड़ी। एक सोलो क्रिएटर के हिसाब से एनिमेशन तो काफी हद तक बहुत बढ़िया है अभी तक एटलीस्ट। जय कल्कि, जय जगतपति, पद्मपति। कैसी आवाज आ रही है? पापा, क्या वो लोग हनुमान को पकड़ पाएंगे? श्री राम के भक्त है वो, उनकी रगों में बहते रक्त है वो, दिल में धड़कते हर वक्त है वो। इसके पिताजी शायरी क्यों सुना रहा भाई? हरा देगा कोई, जीत चुके आकाश पाताल सब जगत, उन श्री राम के भक्त है वो। जय श्री राम। ओहो, यार ये फेस पे भी थोड़ा वर्क करना चाहिए हनुमान जी के। कॉल ऑफ ड्यूटी का ऑडियो है क्या?
कौन? काफी सुना हूँ तुम्हारे बारे में। काफी सुना? तुम अकेले काफी हो ना? पता है ये क्या है? कलयुग का शस्त्र। इसके सामने तुम बच नहीं पाओगे अनुमान। शरण हो जाओ वरना कल ही आएगा। तुम लोग के अंदर बैठे हुए कली को हराने के लिए शास्त्र की जरूरत। हनुमान जी के मॉडल में तो बहुत वर्क करना पड़ेगा भाई। धर्म की जरूरत है, फिर भी लड़ना चाहते हो तो आ जाओ। सब गन लेके आए मगर दौड़ के मारेंगे क्या? बताओ हनुमान जी से ही लड़ लिया भाई वो। अरे कॉल ऑफ ड्यूटी का ही ऑडियो भाई, डैगर टू बोला था उसने। कौन सा मिशन भूल गया? कहानी तो अभी शुरू हुआ हनुमान। अभी शुरू हुआ हूँ यार, डबिंग पे तो बहुत वर्क करना पड़ेगा भाई इसमें। थोड़ा सा स्टोरी लाइन पे भी चाहिए। नेक्स्ट कौन आएगा पापा? नेक्स्ट वही तेरे फेवरेट कुल्हाड़ी वाले दादा। कौन? परशुराम जी? करण के जिसको गुरु मानते हैं। आनंद और मरण में अंतर जानते हैं। उनके चरण से छुए जल को भी अमृत मानते हैं। उन्हें हम परशु और राम के नाम से जानते हैं। A film by reimagined। एक शॉर्ट फिल्म द राइज ऑफ सेवन चिरंजीवी। यार देखो अगर सिंगल बंदे ने क्रिएट किया है तो उस हिसाब से तो एनिमेशन बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा कोशिश किया। बट जो इन्होंने कैरेक्टर लिया है, वो कैरेक्टर्स लिए हैं बल्कि, क्योंकि अभी इसमें परशुराम जी पे भी आने वाली, तो कैरेक्टर्स जो हैं वो लार्जर देन लाइफ है, तो वहाँ पे आप किसी प्रकार के ना रायता नहीं फैला सकते। और जो अभी तक शॉर्ट फिल्म देखा है इसमें रायता फैला हुआ, तो बेसिकली जो डबिंग की है, डबिंग में जो भी व्यक्ति बोल रहा है वो स और श जो है वो उसका क्लियर नहीं है। परशुराम कह रहा है, वो परशु है वो, जबकि और ऐसे ही वो और भी चीज़ों में हमने अभी देखा हुआ है क्या क्या है। और थोड़ा सा तो हनुमान जी के जो मॉडल है उस पर भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फेस अलग से जो उनकी फेस है, फेस पर काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। तो हाँ ठीक है, सिंगल व्यक्ति के हिसाब से अच्छा, वो धीरे धीरे आया था, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। मैंने कमेंट में कहीं पढ़ा भी था क्रिएटर का कि वो उन्होंने बोला था कि हाँ भाई मेरे सिंगल क्रिएशन है इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया, अब आप लोग की हेल्प चाहिए कम्युनिटी की, तो जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा करें, तो हम लोगों को हेल्प करना चाहिए। तो गाइज आप जाके ऑफिशियल चैनल पे भी देख सकते हैं वीडियो, रीइमेजिन इंडिया के नाम से ही है, और मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दैट बीइंग सेड दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सब्सक्राइबिंग।